अगर आप इस सीरीज़ की पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट 2.5 मिनट तक का जो एक मैंने पर्टिकुलर तरीका बताया किस तरीके से इस सीरीज़ से आप नोट्स बना सकते हो जिसमें आपको एग्ज़ाम के अंदर रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप प्लीज़ अगले 2.5 मिनट को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस सीरीज़ की ये कोई भी वीडियो पहले देख चुके हो तो आप नेक्स्ट 2.5 मिनट्स को स्किप कर सकते हो अगर आपको नोट्स बनाने का तरीका पता चल चुका है। तो नहीं पता है तो प्लीज़ अगले 2.5 मिनट्स तक ज़रूर देखें, आपको आइडिया लगेगा कैसे आप जल्दी जल्दी इस पूरी की पूरी वीडियो से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जब हम अपने टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे ना तो उनमें कुछ चीज़ें होंगी जो आपको दिखाई देंगे, जैसे कोई लोकेशन का नाम आएगा, सिटी या कंट्री का, फेस्टिवल का नाम आएगा, किसी स्ट्रेट, सी, ओशन, बे, रिवर, लेक का भी नाम आएगा, रिजर्व, पार्क, सेंचुरी, स्पीशीज़ के नाम आएंगे, ट्राइब्स के, स्पीशीज़ होती है ना आइडेंटिफाई हो रही होती हैं कि बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं जो न्यूज़ में रहती हैंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारे एक्ट होते हैं हमारे नेशनल लेवल के, एंड कुछ रैंडम चीज़ें आ रही होती हैंगी। आपको क्या करना होगा, आपको एक A4 शीट को लेना है, ठीक है। A4 शीट के अंदर कुछ इस तरीके से फोल्ड्स बनाइए, ये आपकी A4 शीट है लैंडस्केप मोड के अंदर, ठीक है। आप इसको जब इस बार तीन तरीके से दो बार फोल्ड करेंगे ना तो आपके पास एक साइड में चार कॉलम्स बन जाएंगे लंबे लंबे, ठीक है। इन कॉलम्स के ऊपर आप ऊपर टाइटल दे दीजिए, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं, अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ना हमारे पास टोटल 8 सेक्शंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब आप इस शीट को देखते हो तो आप इसकी शीट में एक साइड आपके 4 हैं, अदर साइड भी आपके पास 4 हैंगे, तो टोटल 8 सेक्शंस आप इस शीट के ऊपर नेमिंग कर सकते हो। अब जब हम लोग अपना जैसे हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, आपको न्यूज़ में सुनते सुनते ही जैसे ही आपको किसी लोकेशन का नाम लगे आप लोकेशन वाले कॉलन में ऐड कर दीजिए, किसी सिटी का नाम है, किसी कंट्री का नाम है। सेम तरीके से कोई फेस्टिवल था जो न्यूज़ में था, कोई स्ट्रेट आया था, कोई ओशन का नाम, सी का नाम, किसी बे का, रिवर का या लेक का नाम आया था, उसी तरीके से कोई ट्राइब वगैरह एक्ट वगैरह हैं, एंड रैंडम में कोई भी ऐसी चीज़ जो इन ऊपर वाली किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करती हो। देखो एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 145 आ गया तो आर्टिकल 145 लिख दो, एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, ये आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे आपको रिवीजन के तौर पर। जब आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो 12 मंथ्स के लिए आपके पास ऐसी टोटल में मैक्स टू मैक्स 3 या 4 शीट्स ही होंगी फुल। 12 महीने के अंदर आपको 3 या 4 का इंडेक्स मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें थी जो मेरी एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। इसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपको घूम फिर के मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो 3 या 4 शीट बनेंगी आपकी टोटल 12 मंथ्स की। अभी जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो शायद मैं अगस्त तक की तो कंप्लीट करवा ही दूंगा, सितंबर की आएगी नहीं तब तक एग्ज़ाम का, वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन 2021 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही क्रूशियल होगा, 2022 के लिए भी बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो ये तरीका है आपको नोट्स बनाने का, एंड एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा इसके अंदर, ऑलराइट। अच्छा एंड में मैं क्या करूँगा ना कि मैं आपको ना पिक्चर्स दिखाऊँगा, ऑलराइट, और पिक्चर्स 2-3 सेकंड के लिए आएंगे, मैं उसका नाम बता दूंगा कि इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर ये क्या चीज़ है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन में ना उस पिक्चर को देख करके उसके प्रति, उसके रिगार्डिंग जो आपने न्यूज़ पढ़ी थी ना, जो फैक्ट्स पढ़े थे यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट में, ये आप रिकॉल करके टाइप करके कमेंट में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि इससे होगा कि आपकी रिटेंशन पावर का आपको आइडिया लगेगा कि आपने अगर ऊपर 50-60 टॉपिक्स पढ़े थे, अगर उसमें से आपको 10-15 इमेजेस देखने को मिल रही हैं तो आप कितनी चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हो इतनी जल्दी। तो मैंने लास्ट में आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ एक नाम बताऊंगा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसकी डिटेल कमेंट सेक्शन में लिखो, तो मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि कितना आप लोग रिटेन कर पा रहे हो, आपको खुद की भी एक परफॉर्मेंस का एक एनालिसिस मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश ने फ्लैग ऑफ की है कंट्री की पहली फ्रूट ट्रेन, पहली है अपने काइंड की कंट्री के अंदर ये, और ये इसको फ्लैग ऑफ किया गया था तड़ीपट्टी रेलवे स्टेशन से जो कि आंध्र प्रदेश में है। फ्रूट ट्रेन जो है ये 980 मेट्रिक टन का लोकल एरिया में जो ग्रो की हुई बनानास होती है उनको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लेके जाएगी मुंबई में, जहाँ से ये जो कंसाइनमेंट है इसको फर्दर एक्सपोर्ट किया जाएगा ईरान के अंदर। तो ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पर पूरी की पूरी ट्रेन को गेटवे पोर्ट तक एक्सपोर्ट के लिए ले जाया गया है। अदरवाइज़ क्या होता है इस, अब देखो इसमें बेनिफिट ये हुआ है कि टाइम भी बच गया, फ्यूल भी बच गया, अदरवाइज़ 150 ट्रक्स रिक्वायर होते इतने सारे बड़े कंसाइनमेंट को JNPT तक ले जाने के लिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक ले जाने के लिए, जो कि इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से 900 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ऑलराइट, बिफोर द टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर्स आर लोडेड ऑन शिप, टाइलर प्राइस फॉर द एनवायरनमेंट। देखो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं प्राइस वगैरह टाइप के आपको लगेगा कि आते नहीं है, अगर इनसाइट वालों ने दिया है वो एक्सपर्ट्स की टीम बैठी है, उन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हैं और वहाँ पर अच्छे गाइड करने वाले लोग हैं और सेलेक्टेड लोगों ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं।
टाइलर प्राइस 2020 अवार्ड किया गया है दो पायनियर्स को। पायनियर वर्ड का मतलब होता है कि जो अग्रणी होता है, जो किसी चीज़ में थोड़ा सा नायक दिखाता है, थोड़ा सा लीडरशिप दिखाता है, आगे बढ़ के तो चलता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट की इकोनॉमिक वैल्यू को क्वांटिफाई करने के काम किया है। इसमें से एक इंडियन है, इसलिए इंडिया के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, उसका नाम है पवन सुखदेव। प्राइस के बारे में जानते हैं, 1973 में जॉन और एलिस टाइलर ने इसको एस्टैब्लिश किया था। ग्लोबल एनवायरनमेंट प्राइस रिकॉग्नाइज करता है उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आउटस्टैंडिंग मैनर में, जो भी साइंटिफिक नॉलेज है और पब्लिक लीडरशिप है, हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व और एनहेंस करने के लिए। रेसिपिएंट एन कम्पास द स्पेक्ट्रम ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, यानी कि वो एनवायरमेंट के कंसर्न को ध्यान रखते हुए उस पर काम करते हैं। इसमें एनवायरमेंटल की पॉलिसी भी इंक्लूड होती है, हेल्थ पे काम होता है, एयर वाटर पॉल्यूशन, इकोसिस्टम का डिस्रप्शन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इवन एनर्जी रिसोर्सेज आर एक्नॉलेज्ड। नेशनल गेम्स के लिए नया मैस्कॉट है जिसका नाम है फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल। मैस्कॉट क्या होता है, आप लोगों को इंडिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स याद होंगे, उसका मैस्कॉट था शेरा, ठीक है ना। मैस्कॉट बेसिकली हर एक पर्टिकुलर इवेंट की एक सिंबॉलिज्म होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ऑल राइट। तो जो फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है, इसका नाम रूबी गुलाबी है, इसको 36 नेशनल गेम्स का, नेशनल गेम है तो इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है ना, जो कि गोवा में होने वाले हैं, तो ये वहाँ का स्टेट बर्ड है, इसलिए इसको वहाँ का मैस्कॉट, नेशनल गेम्स का मैस्कॉट चूज़ कर लिया गया है। एंडेमिक टू द सदर्न पेनिनसुलर इंडिया, एंडेमिक का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो बर्ड है ना, फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल, अब सिंस ये गोवा का स्टेट बर्ड भी है, उन्होंने कहा कि सदर्न पेनिनसुला के अंदर एंडेमिक है, काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें IUCN स्टेटस की, तो ये लीस्ट कंसर्न है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल 4th में है। IUCN क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में करवा चुका हूँ। बेहतर ही होगा आप अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इट्स बेटर कि आप इसको सीक्वेंस में चलने दो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उज मल्टीपर्पज़ नेशनल प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को प्लान किया जा रहा है कि इसे कथुआ डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। वहाँ पर रिवर उज है, जो कि रिवर रावी की बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी है। द प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन विल एनहेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर्स ऑफ ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर जो भी हैं, उन सब के वाटर की यूटिलाइजेशन को एनहेंस करने के लिए है और ये प्रोजेक्ट उसके लिए बनाया गया है। और जो ईस्टर्न रिवर्स अलॉटेड हैं, वो इंडिया को अलॉट की गई थी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। मैंने बिल्कुल रिसेंटली आप लोगों को इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं उनमें पढ़ाया था, और इसलिए ये बेनिफिट होता है कि वहाँ पर आपने उस समय पढ़ा था, अभी रिसेंटली आप इसमें पढ़ लोगे, अभी दो तीन में और में कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट किसी ना किसी तरीके से आ जाएगी, ये चीज़ें ऐसे रिवाइज़ हो जाएंगी आपकी। उज रिवर ओरिजिनेट करती है कैलाश माउंटेन में नियर बदरवा हिल्स, ये पार्ट है पीर पंजल रेंज का और इसकी हाइट है 4300 मीटर्स और अगर फीट में करेंगे तो 14100 फीट। चार स्ट्रीम्स हैं इसमें, भीनी, सुतार, धुनरकी, तलान, और ये ज्वाइन करती हैं उज को पंज तीर्थी पर। तो ये लोकेशंस के नाम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्ट्रीम्स के नाम, लोकेशंस के नाम, जो भी है कहाँ पर उज रिवर उज है, कहाँ रावी है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी जानना एंड एवरीथिंग। कैलाश माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट, पीर पंजल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब बेसिक्स हैं, आपको वैसे ही पता चलते हैं, स्कूल टाइम में बहुत बार किए होते हैं ये सब चीज़ें। बुरही दिहिंग रिवर, कंटेक्स्ट है कि एक स्ट्रेच है ईस्टर्न असम का जहाँ पर बुरही दिहांग रिवर, रिसेंटली इसमें आग मिली थी, आग लगी हुई थी और ये दो दिन तक चली थी क्योंकि इसके अंडर वाटर में जो ऑयल पाइपलाइन है वहाँ पर कुछ लीकेज हो गया था। दिहिंग और बुरही दिहांग एक लार्ज ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की अपर असम के अंदर, ऑल राइट। और ये ओरिजिनेट करती है ईस्टर्न हिमालयाज के पटकई हिल्स में अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ से फिर ये तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो असम के है वहाँ से फ्लो करती हुई ये ब्रह्मपुत्रा पे मिलती है दिहिंग मुख पे। दिहिंग मुख, देखो ब्रह्मपुत्रा को चाइना के अंदर बेसिकली तिब्बतन जो रीजन है वहाँ पर इसको सांपो बोलते हैं, TSANGPO, और ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम के ऊपर ही हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रीफिक्स लगाया ब्रह्म, वो हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर से लिया था। नेक्स्ट हमारे पास मुक्ति कैरावैन, ये रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया गया था राजस्थान के अंदर। इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है, लोगों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग अवेयर करना है, ठीक है ना, किस तरीके से बच्चों को फोर्स लेबर करवाया जाता है, उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि इसके ऑर्गेनाइजर्स कौन हैं, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और राजस्थान की पुलिस ने, दोनों ने मिलकर इस कैंपेन को रन किया है।
फर्दर ये जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहाँ के जो भी रिस्पेक्टिव सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस होते हैं वो भी इसको ज्वाइन करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लीड कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के सर्वाइवर्स। तो ये कैरावैन जो है ये गाँव तक जाएगा, शहर शहर जाएगा, लोगों को ट्रैफिकिंग के बारे में अवेयर करेगा। पार्टिसिपेंट जो है पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्कशंस होल्ड करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जैसे स्किट करना, पोएम रिसिटेशन, शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग वगैरह होगी। लोगों से अपील करेंगे कि वो ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाए। फरवरी की न्यूज़ है तो वहाँ पर ही बात चली थी कि कोरोना वायरस का, नोवेल कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है और इसको डिक्लेयर कर दिया गया स्टेट कैलेमिटी केरला के अंदर। तो पूरा का पूरा आप लोगों का इस सीरीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोरोना के रिगार्डिंग बहुत बड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। केरला ने नोवेल कोरोना वायरस की इन्फेक्शन को एक स्टेट कैलेमिटी डिक्लेयर कर दिया था। वहाँ पर उस समय 3 कन्फर्म केसेस मिले थे और इस डिसीजन से केरला गवर्नमेंट को हेल्प मिली थी उस समय किस तरीके से इस आउटब्रेक को कंट्रोल करना है। भूटान ने नई टूरिज़्म फ़ी लगाई है। भूटान अब इम्पोज करेगा SDF जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी है, 3 कंट्रीज़ के ऊपर लगाएगा, इंडिया, बांग्लादेशी और मालदीवियन टूरिस्ट के ऊपर। जो ये न्यू लेवी है ना, जो ये न्यू चार्ज लगा रहे हैं, फीस लगा रहे हैं, ये पूरे के पूरे भूटान के पूरे अक्रॉस भूटान एप्लीकेबल नहीं होगा। टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ के लेस ईस्टर्न भूटान के अंदर तो SDF को वो 11 डिस्ट्रिक्ट जो उनके रीजन है, कुछ 11 रीजन से वहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो डिसीजन है वो लिया गया है ताकि वहाँ की इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने सडनली देखा था कि इंडिया की तरफ से जो विजिटर्स थे उसमें एक स्पाइक देखने मिला था, लोग बढ़ते जा रहे थे। सो फार जो टूरिस्ट हैं 3 कंट्रीज़ से उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि मतलब सो फार जो टूरिस्ट थे 3 कंट्रीज़ के इनको एग्जेम्प्ट किया गया था ये ऐसा कोई लेवी या फिर फीस पे करने को। बाकी जो नेशंस होते हैं इनके अलावा जो कंट्रीज़ थे उनको $250 पर पर्सन पर डे पे करना पड़ता है अगर पीक सीज़न होता है टूरिज़्म का तो, और जो नॉर्मल सीज़न होता है उसमें पर पर्सन $200 पे करना पड़ता है। लो सीज़न का मतलब होता है विंटर, दिसंबर से फरवरी, और जो सीज़न होता है रेन का वो होता है जून से अगस्त, ये लो सीज़न होता है। लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन, क्रिस्टीना कोच। कंटेक्स्ट क्या है, नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टीना कोच, इन्होंने लैंड किया है अर्थ के ऊपर 6 फरवरी 2020 को। एक रिकॉर्ड स्टे था इनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 328 डेज का। प्रीवियस जो लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट था बाय एनी वुमेन वो था 289 डेज बाय पैगी विटसन, और ये अमेरिकन थी, इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया था 2017 के अंदर। वेलेरी पोलियाकोव ये रशिया की हैं, इनको कंबाइन जो रिकॉर्ड मिला हुआ है बोथ मैन और वुमेन के अंदर लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट का हिस्ट्री के अंदर वो है 430 डेज का। ये चीज़ें वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर बहुत इसेंशियल है जब आप ग्लोबलाइज लेवल के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, प्लस में प्रिलिम स्पेसिफिक के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जा ही सकता है इन चीज़ों को लेकर। वॉट इज़ दिस न्यू लखनऊ डिक्लेरेशन, एक जॉइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है, जो पहला इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कन्क्लेव हुआ था, जो कि साइड जो डिफेंस एक्सपो हुआ था हमारा 2020 का लखनऊ में, उसी के साइडलाइंस में हुआ था। इस लखनऊ डिक्लेरेशन का एम क्या है, इस कन्क्लेव को हम लोगों ने कंडक्ट किया था, हमारा एम था कि इंडिया के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना उनको अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में एक्सपोर्ट करना, और ध्यान में रखना चाहते हैं कि हमारी जो डिफेंस पार्टनरशिप्स है 1950 से उसको मेंटेन करें। डिक्लेरेशंस का एक कॉल है कि डीपर कोऑपरेशन पे बात करेंगे, ठीक है ना, जो भी हमारा डिफेंस इंडस्ट्री का डोमेन है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू काम करेंगे, जॉइंट वेंचर्स पे काम करेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर्स को शेयर किया जाएगा, डिजिटल डिफेंस के थ्रू रिसर्च डेवलपमेंट को शेयर किया जाएगा, और डिफेंस इक्विपमेंट की प्रोविजनिंग, स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं और प्लस में जो चीज़ें चली जाएंगी उनका मेंटेनेंस वगैरह करना, दोनों के ही म्यूचुअल बेनिफिट बेनिफिशियल टर्म्स के अंदर। माउंट एकॉनकैगुआ न्यूज़ में क्यों है, 12 साल का एक स्टूडेंट, एक मुंबई का एक स्टूडेंट है काम्या कार्तिकेयन, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है, ही इज़ द यंगेस्ट वन इन द वर्ल्ड टू समिट माउंट एकॉनकैगुआ। माउंट एकॉनकैगुआ कहाँ है, ये एंडीज माउंटेन जो कि अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है वहाँ की हाईएस्ट पीक है, प्लस में एशिया के बाहर जितने भी हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट माउंट एकॉनकैगुआ है। इसका समिट का एलिवेशन है 6,960.8 मीटर्स। माउंट ये जो माउंटेन है ये 7 समिट्स जो हैं 7 कॉन्टिनेंट्स के उनमें से एक है। 7 समिट्स क्या हैं एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये थोड़ा मुझे लगता है जूम करना पड़ेगा अब आपके लिए बेहतर होगा। 7 समिट्स के अंदर आते हैं जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं हर एक 7 कॉन्टिनेंट्स के। एशिया का हाईएस्ट एवरेस्ट है, साउथ अमेरिका का एकॉनकैगुआ,
एंटार्क्टिका का विंसन मैसिफ, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रस, नॉर्थ अमेरिका का मैककिनले, ओशनिया का कार्टजेन। सबकी हाइट याद करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक तरीके से सीक्वेंस और किस कॉन्टिनेंट का हाइएस्ट कौन सा है, इतना बेसिक आपको याद होना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। पेंगोलिन, ये भी कहीं ना कहीं कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ में आया था। कहा ये जा रहा था उस समय पर फरवरी के अंदर कि पेंगोलिन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इस कोरोना वायरस के चाइना में स्प्रेड होने के लिए। साइंटिस्ट ने कहा था कि उनको कुछ जीनोम सीक्वेंस मिले थे जो कि सेपरेट किए गए थे इन एंडेंजर्ड एनिमल्स से। 99% इसकी आइडेंटिफिकेशन की गई है उन इन्फेक्टेड पीपल के साथ। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बर्ड्स और एनिमल्स जो थे वो एक डिबेट का पार्ट बने हुए थे जहाँ से ये वायरस, कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ था। और इवन स्टार्टिंग के अंदर स्नेक्स को भी इस वायरस के लिए ब्लेम किया गया था। देखो, कोरोना वायरस का आपको पता चल चुका होगा, बट ये चीज़ जानना कि स्टार्टिंग में चल क्या रहा था, ये आपको एक एडवांटेज देगा। आंसर राइटिंग में भी एडवांटेज देगा, इवन इंटरव्यू वाले पार्ट में आपको बहुत एडवांटेज देगी ये नॉलेज। तो बिगिनिंग में स्नेक्स को भी ब्लेम किया जा रहा था। चाइनीज हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बाद में कंटेंट किया था कि जो वायरस है वो ओरिजिनेट हुआ है बैट से, चमगादड़ से। बट वेदर कुछ और भी इंटरमीडिएट करियर्स थे बैट और ह्यूमन बीच के भी, बैट्स में और ह्यूमन बींग्स में, ये चीज़ बाद में इन्वेस्टिगेशन पर चल रही थी। वायरस को बिलीव किया गया था कि वो वुहान के हुनान सी फूड का जो होलसेल मार्केट है वहाँ से स्प्रेड हुआ था। पेंगोलिन के बारे में जान लेते हैं। ये एक स्केली मैमल है प्लैनेट के ऊपर ओनली, यानी कि इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स ही स्केल्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा फोटो के अंदर। और जो साइट्स है हमारा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये चेक करता है कि किसी भी तरह के एनिमल का जो ट्रेड हो रहा है उसके कारण उसके हैबिटेट का कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, ये साइट्स का काम होता है। उन्होंने कहा कि इट इज़ द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टेब्रा। वर्टेब्रेट का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बैकबोन होती है। तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड में जो भी इलीगल ट्रेड होती है ना वर्टेब्रेट्स की, तो मैमेलिया क्लास के अंदर ये हाईएस्ट नंबर के ऊपर है। सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेड पेंगोलिन की होती है। अगर हम इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें IUCN के अंदर, IUCN UN का एफिलिएटेड प्रोग्राम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें चाइनीज़ पेंगोलिन को उन्होंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा हुआ है। और जो इंडियन पेंगोलिन है जिसका नाम साइंटिफिक नाम होता है मानिस क्रासिकोदाता, ये है एंडेंजर्ड की लिस्ट के ऊपर IUCN की रेड लिस्ट में। प्लस में अगर हम बात करें ये जो हमारा इंडियन पेंगोलिन है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर स्केड्यूल 1 में रखा गया है। श्याम सिंह अत्रीवाला की 174th डेथ एनिवर्सरी थी 10th फरवरी को, और ये सिख जनरल सरदार श्याम सिंह अत्रीवाला थे। श्याम सिंह अत्रीवाला का जन्म 1719 में हुआ था और 1846 तक ये जनरल थे सिख एम्पायर के। अत्रीवाला ने पार्टिसिपेट किया था बहुत सारे कैंपेन्स में, जैसे कि बैटल ऑफ मुल्तान, कश्मीर और फ्रंटियर प्रोविंस हो गया। उनके करेज और इन्फ्लुएंस जो थे वो खालसा आर्मी के ऊपर थे। श्याम सिंह को इसलिए नॉमिनेट किया गया था फॉर द काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिसको सेटअप किया था महारानी जिंद कौर ने, जो माइनर सॉवरिन थे महाराज दुलीप सिंह उनके लिए। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था उन्होंने सतलुज को क्रॉस कर लिया था और उन्होंने वाव किया था। वाव करने का मतलब होता है, देखो एक होता है प्रॉमिस करना या फिर कोई कमिटमेंट कर देना, लॉन्ग टर्म की जो चीज़ें होती हैं उनको प्रॉमिस बोल सकते हो आप, ठीक है। जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं उनको वाव बोलते हैं। आप किसी शॉर्ट टर्म के कमिटमेंट करते हो ना, कि मान लो आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि मैं आज अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करके जाऊँगा, तो यू आर टेकिंग अ वाव, ठीक है ना। तो जब उन्होंने सतलुज क्रॉस की थी फर्स्ट एंग्लो सिख के अंदर, तो उन्होंने वाव किया था कि या तो वो अपनी जान ही दे देंगे या फिर जब वो लौट के आएंगे तो वो जीत कर ही आएंगे, ठीक है ना, वो हार के लौट के नहीं आएंगे या फिर अपनी जान दे देंगे वो। नेक्स्ट इज चिंदू यक्षगणम, या फिर इसको बोलो चिंदू भागवतम। ये एक थिएटर की आर्ट है जिसको चिंदू मदिगा कम्युनिटी के लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक तरीके का एंटरटेनमेंट होता है तेलंगाना के कुछ विलेजेस के अंदर, जहां आर्टिस्ट स्किलफुली अपने क्लासिक टेल्स को, यानी कि कुछ पौराणिक सांस्कृतिक कथाओं को, एपिक्स वगैरह को लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए डिपिक्ट करते हैं। ये जो आर्ट है ये प्रोबेबली स्टार्ट हुई थी जब लोगों ने इनेक्ट किया था एक्टिंग हंटिंग के एक्ट्स को, वॉर्स को, और बाकी जो वेलर, ये वेलर का मतलब होता है करेज, बहादुरी के एक्ट्स को जब उन्होंने इस तरीके से इनेक्ट करना स्टार्ट किया था। चिंदू कम्युनिटी जो है ये ट्रेडिशनली एक नोमैडिक कम्युनिटी है। अब देखो कम्युनिटीज़ के नाम आगे, ये तो प्रीलिम्स में आते हैं, आप लोगों ने पता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। गैगरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेडिंग सेंटर, ये मॉस्को में है रशिया के अंदर। हमारे इंडिया के 4 पायलट्स ने अपनी एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग वहाँ पर स्टार्ट कर दी है।
पूरा प्रोग्राम जो है ये इसमें बेसिक और जेनरिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग है, और उसके बाद एक जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो स्पेसिफिक है कि पहले इंडियन जो ह्यूमन स्पेस मिशन जाएंगे गगनयान में उनके लिए। इस ट्रेनिंग के एंड मॉड्यूल्स के अंदर इंडिया और रशिया 1 और 2 ऑफ द 4 इनको फाइनली नेम देंगे कि क्या सर्कल बेसिकली विल बी फाइनली नेम्ड टू सर्कल द अर्थ इन द फर्स्ट क्रूड गगनयान। तो 4 में से 1 या फिर 2 इनका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो अर्थ का जो पहला क्रूड, इंडिया का जो पहला क्रूड जाएगा ना गगनयान, उसमें अर्थ के ऑर्बिट करने के लिए, जिसको हम लोग प्लान कर रहे हैं 2022। हाँ, ये प्लान जो है ये थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है जब तक कि कोरोना वायरस पेंडेमिक का एग्जैक्ट हमको नहीं पता चलता, जब तक हम लोग क्लियर डेट नहीं बता सकते कि गगनयान कब जाएगा। तो एग्ज़ाम में अगर 2020 वाले को लेकर 20 में ये डेट कहीं नहीं पूछ जाएगी कि गगनयान कब जा रहा है, 2021 के मे बी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको यही कहना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट ईयर का प्लान है 21 का, मतलब आप 21 में आप उसका इंटरव्यू दोगे तो 22 का कहना पड़ेगा आपको इस तरीके से। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम क्या है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अप्रूव किया है कि वो 1.867 बिलियन US डॉलर का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को देंगे, सेल करेंगे। तो ये जो IADWS है, इसको वहाँ पर NASAM भी बोलते हैं, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, US के अंदर ये इंटीग्रेटेड एयर मिसाइल डिफेंस होता है और करंटली वाशिंगटन DC के अराउंड डिप्लॉय किया हुआ है। IADWS सिस्टम के अंदर रडार होता है, लॉन्चर होते हैं, टारगेटिंग होती है, गाइडेंस सिस्टम होता है, एडवांस मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइल्स होते हैं, अमराम स्ट्रिंजर मिसाइल्स होते हैं, और इनसे सारे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट और सपोर्ट होता है वो सब होते हैं। JRD टाटा 10 फरवरी 1929 को इंडिया को अपने पहले पायलट मिले थे, जहांगीर RD टाटा, जो क्वालिफाई हुए थे नंबर 1 अपने फ्लाइंग लाइसेंस के लिए। यहाँ से इंडियन एविएशन का जन्म हुआ था। JRD का जो लाइसेंस था उसको बोला जाता था एन एविएटर सर्टिफिकेट, और इसको इशू किया था द एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा ने, एक एसोसिएट थे रॉयल एरो क्लब के ग्रेट ब्रिटेन के, और जो ऑथराइज किया गया था कि वो लाइसेंसेस इशू करता था ब्रिटिश एम्पायर के फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल को। एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा को रिकॉग्नाइज किया था फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल ने कि ये एक स्पोर्टिंग अथॉरिटी है। दो नॉट द फर्स्ट टू रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर करने वाले पहले नहीं थे, लेकिन पास आउट होने वाले JRD टाटा पहले बने थे। ठीक है, पुरुषोत्तम मेघजी काबिल इज बाय वेरियस एविएटर अकाउंट्स कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन पायलट। दोबारा से समझो, पुरुषोत्तम मेघजी काबिल इज बाय वेरियस एविएटर, बहुत सारे वेरियस एविएटर्स को अकाउंट करते कि वो पहले इंडियन पायलट थे। ये नीचे आप लोगों को दिख जाएगा इनका जो एविएशन लाइसेंस था, जिसको एविएटर सर्टिफिकेट भी बोलते थे, JRD टाटा का। ही वॉज बॉर्न एट पैरिस। एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2020 का कंटेक्स्ट क्या है? जो फर्स्ट एडिशन है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, अजय वॉरियर का, देखो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बहुत टॉपिक्स आ रहे हैं, तो लास्ट में एग्ज़ाम से पहले पूरी की पूरी एक सीरीज़ खोल लेना, PDF मिल जाएगी, उसको मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से उसको चेक करके चले जाना। ठीक है ना, कौन से कंट्री के बीच हुई है, कब हुई है, और उसका नाम क्या है, मिलिट्री की थी या मतलब एयरफोर्स की थी, आर्मी की थी, नेवी थी, किसकी थी, इतना पता होना चाहिए बस। अजय वॉरियर का 5th एडिशन जो था वो रिसेंटली हुआ था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, यहाँ पर इन्होंने कंडक्ट किया गया था ये सैलिसबरी प्लेन्स में जो UK के अंदर है, February 2020 में। इस एक्सरसाइज का मेन एम था कि कंपनी लेवल की जॉइंट ट्रेनिंग कंडक्ट करना, ताकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के ऊपर अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर इनको एक कमांड मिल सके। पहली बार जो एक्सरसाइज की गई थी वो बेलगांव कर्नाटक में हुई थी 2013 के अंदर इंडिया में। वर्ल्ड पल्सेस डे, इसको एस्टेब्लिश किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि जो इंपॉर्टेंस होती है हमारे पल्सेस की एज अ ग्लोबल फूड, उसको इंक्रीज़ किया जा सके, इसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। इसको डेजिग्नेट किया गया था 10 फरवरी को सिंस 2019, और 37 सेशन जो था उस समय यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का 20 दिसंबर 2018 को, उस समय से डिक्लेयर किया गया था। सेफ़र इंटरनेट डे, इस साल 11 फरवरी को हम लोगों ने सेफ़र इंटरनेट डे मनाया था। सेफ़र इंटरनेट डे का जो इनिशिएटिव है ये पहली बार स्टार्ट हुआ था यूरोप के अंदर, लेकिन आज की डेट में इसको 150 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं।
इसका मेजर जो देखो इस बार की जो थीम थी वो थी टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, और इसको ऑर्गेनाइज करता है इनसेफ इनहॉप, एक नेटवर्क है अवेयरनेस सेंटर्स का जो कि 30 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, और इसकी फंडिंग आती है जो CEF है यूरोपियन यूनियन का कनेक्टिंग यूरोप फैसिलिटी प्रोग्राम, वहाँ से। इंडिया के अंदर जो न्यू दिल्ली बेस्ड NGO है डिस्क, वो इस SIDF की कमेटी है, और डिस्क की फुल फॉर्म है डेवलपिंग इंटरनेट सेफ कम्युनिटी। इसका एम होता है लोगों के अंदर जो भी ऑनलाइन इश्यूज होते हैं, साइबर बुलिंग वगैरह या फिर कोई भी करंट कंसर्न के टॉपिक चल रहे होते हैं, उन सबके रिगार्डिंग अवेयरनेस इंक्रीज करना। स्टॉर्म सियारा, ये लेटेस्ट स्टॉर्म था जो कि नदर्न यूरोप में आया था, और एक्सपेक्ट किया गया था कि इसने आयरलैंड को, ये एक्सपेक्टेड था उस समय जब ये न्यूज़ आई थी उस डेट को कि ये आयरलैंड को हिट करेगा, फ्रांस, बेल्जियम, नदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी को। जर्मनी के अंदर इसको रेफ़र किया जाता है सबीने, ठीक है, और ये स्टॉर्म है, इसके दो नाम हैं क्योंकि दैट देयर इज़न्ट येट अ पैन यूरोपियन सिस्टम, ठीक है ना, यानी कि पूरे के पूरे यूरोप सिस्टम के अंदर कोई सिंगल सिस्टम नहीं है किसी भी तरह के स्टॉर्म को नेमिंग करने का, लेबलिंग द वेदर सिस्टम, इसलिए इसके दो नाम हैं यहाँ पर। देन कम्स इंटरनेशनल डे ऑफ वेमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, 11 फरवरी को हम लोग ये वाला दिन मनाते हैं, 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, मालूम होना चाहिए दोनों में डिफरेंस। इसको भी इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस ने ताकि इक्वल एक्सेस प्रमोट करें, और वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है स्पेशली साइंस का, वुमेन और गर्ल्स का, उसमें दोनों लोगों के पार्टिसिपेशन का इंक्रीमेंट हो। की फैक्ट्स क्या हैं, 2018 के फैक्ट शीट जिसको यूनेस्को ने प्रिपेयर किया था वो ये बताते हैं कि साइंस के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 28.8 रिसर्चर्स हैं जो वुमेन हैं। बहुत अच्छा डेटा है, नोट डाउन कर लो। इन्होंने डिफाइन किया था रिसर्चर्स जो होते हैं वो प्रोफेशनल, बेसिकली वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो एंगेज होते हैं एक क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज के अंदर, क्रिएशन या फिर कंसेप्शन ऑफ ए न्यू नॉलेज। इंडिया के अंदर ये जो डेटा है, मतलब बेसिकली जो काउंट है हमारा, 13.9% है, तो दोनों ही बहुत अच्छे पॉइंट हैं। इवन डेफिनेशन भी दे दी इन्होंने यहाँ पर रिसर्चर की। सो 1901 से लेकर 2019 तक, यानी कि लगभग 118 साल तक, टोटल 334 नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं 616 लॉरेट्स को फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मेडिसिन में, जिसमें से सिर्फ 20 थे जो वीमेन को मिले थे, और उसमें से टोटल 19 वीमेन थी, और जिनको दो मिले थे उनका नाम था मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी के ऊपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मूवी भी आ रही है, आई थिंक कुछ रेडियो एक्टिविटी करके, मैंने शायद कहीं ट्रेलर देखा था कुछ टाइम पहले। 2019 के अंदर अमेरिकन मैथमेटिशियन कैरन उल्हेनबेक पहली वुमेन बन गई थी जिनको एबल प्राइज मिला था, ठीक है, और जो फील्ड्स मेडल था सो फार इसको अभी तक अवार्ड किया गया सिर्फ एक वुमेन मैथमेटिशियन को, और वह हैं लेट मरियम मिर्जकानी, ईरान की हैं वो, और एज अपोज टू 59 मैन को मिल चुका है 1936 तक, और सिर्फ एक वुमेन को मिला है मरियम को, जो कि ईरान की रहने वाली थी। तो ये कहीं ना कहीं वुमेन का जो टॉपिक है आपका, इसको ना ऐसे में यूज़ कर सकते हो, ऐसे डेटा को, ऐसे के लिए बड़ा खूबसूरत डेटा है। ऐसे का तो आपको पता है कि ऑप्शंस बहुत आते हैं, आपको कई तरह के ऑप्शन होते हैं, आपको एक चूज़ करना होता है, तो मे बी आप वुमेन वाला चूज़ करोगे तो ऐसा डेटा आप यूज़ कर सकते हो। फिर 23rd है इंडियन नेशनल्स लिविंग अब्रॉड, टोटल 1.36 करोड़ इंडियन नेशनल्स अब्रॉड रह रहे हैं, ये लेटेस्ट डेटा है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक के लिए। हाईएस्ट नंबर जो इंडियंस हैं वो जो बाहर रह रहे हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर US, फिर कुवैत, ओमान, कतर, नेपाल, UK, सिंगापुर, बहरीन। टॉप 3 याद रख लेना, ज़्यादा मात्रा याद रखना। इंपॉर्टेंट ये है कि UAE में जितने लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं कुछ 34,20,000 इंडियंस, जो कि ओवरऑल का आई थिंक अराउंड 1/4 है, तो 1,36,00,000 अगर आप करते हो ना तो क्लोज टू 1/4 बनता है ये। ओके, ये वही डेटा है इसका। UNHCR ने लॉन्च किया है 2 बिलियन किलोमीटर का एक सेफ्टी कैंपेन। UN की जो रेफ्यूजी एजेंसी है UNHCR, इन्होंने अनाउंस किया है कि एक नया ग्लोबल कैंपेन, इन्होंने लोगों को अर्ज किया है वर्ल्ड वाइड कि टोटल डिस्टेंस वो कुछ डिस्टेंस कवर करें, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है रेफ्यूजीज़ के द्वारा हर साल, दैट इज़ 2 बिलियन किलोमीटर्स, रन करके, जॉग करके या फिर वॉक करके। जो 2 बिलियन किलोमीटर्स टू सेफ्टी कैंपेन का नाम है 2 बिलियन किलोमीटर्स टू सेफ्टी। इसका मेन एम है लोगों को एनकरेज करना, ठीक है ना, ताकि वो रेफ्यूजीज़ को सपोर्ट करें। ओके, और जो गोल है वो है क्या रेजिलियंस और स्ट्रेंथ होती है जो रेफ्यूजीज़ की, उसको एक्नॉलेज करना। ये रेफ्यूजीज़ वाला जो टॉपिक होता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। 5 डे वर्किंग वीक फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने स्कूल्स के अंदर
प्रीएम्बल का कंपल्शन दे दिया था। यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं ना स्टेट गवर्नमेंट के, वो सिर्फ वीक में 5 दिन काम करेंगे, ठीक है, और ये स्टार्ट हो जाएगा 29 फरवरी की ऑनवर्ड। लेकिन उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयज़ जो होंगे ना डेली, उनको मंडे से फ्राइडे तक 45 मिनट्स एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ताकि वो वीकेंड ऑफ ले सकें। जो ये 5 डे वीक का जो प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है ये फॉलो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। प्लस में ये उन लोगों के ऊपर काम एप्लीकेबल नहीं होगा जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है ना, और जो कंसिडर किए जाते हैं असेंशियल सर्विसेज के अंदर। असेंशियल सर्विसेज मतलब ये अपना LPG वाला हो गया, वाटर वाला हो गया, मिल्क वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, उन डिपार्टमेंट्स के लिए ये चीज़ नहीं होगी। केरला ने वाटर को असेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करते हुए एक फिक्स प्राइस कर दिया है, जो बॉटल्ड वाटर होता है ना, कि 13 रुपये से ऊपर बॉटल्ड वाटर नहीं बिकेगा। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट मैंने विजन की मंथली कंपाइलेशन में भी करवाया था, इनसाइट की डेली न्यूज़ में भी कराया था। इसके अंदर अगर आप कोई किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आइटम को डाल देते हो ना, तो उसका जो प्राइस एक बार फिक्स कर दिया ना, तो कोई भी उस प्राइस के ऊपर उसको नहीं बेच सकता, क्योंकि वो असेंशियल कमोडिटी में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप केरला जाते हो, कोई आपसे 13 रुपये से ऊपर किसी बॉटल वाटर के मांगता है, तो आप उसको मना कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि केरला के अंदर कोई भी बॉटल वाटर होगा 1300 रुपये से ऊपर नहीं बिकेगा। कैट के बारे में जान लेते हैं। ये कैट आपका वो MBA वाला एग्ज़ाम नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ये है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। ये सीक्वल था जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 323A। फंक्शन क्या होते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के? द ट्रिब्यूनल एडजुडिकेट्स डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द पर्संस अपॉइंटेड बाय पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट और एनी अदर लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि इस ट्रिब्यूनल का काम है एडजुडिकेट करना, यानी कि केस वगैरह को हैंडल करना, उनकी सुनवाई करना, ठीक है ना। कोई भी कंप्लेन आती है किसी के रिक्रूटमेंट की या फिर क्या कंडीशन ऑफ सर्विस चल रही है, स्पेशली उन लोगों की जो पब्लिक सर्विसेज के पोस्ट के अंदर होते हैं, और उनकी अगर गवर्नमेंट के साथ आती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, उन सब के जो केसेस वगैरह होते हैं वो CAT के अंडर आते हैं। ऑलराइट, अब CAT का कंपोजिशन देखो, यहाँ आपको नए टॉपिक का कंपोजिशन पता चलेगा। इसमें इसको हेड करते हैं एक चेयरमैन, और इसमें 65 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 33 मेंबर होते हैं जुडिशियल, उसमें चेयरमैन भी आते हैं, और 33 आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से। चेयरमैन जो होते हैं नॉर्मली एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं एक हाई कोर्ट के। 28th में है, असम इज प्रपोजिंग अ सेंसस ऑफ इंडिजीनियस मुस्लिम ग्रुप्स। सेंसस का मतलब क्या होता है? कि काउंटिंग वगैरह करना। असम वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, इन्होंने अनाउंस किया है कि उनका कुछ प्लान है कि वो सेंसस करना चाहते हैं 4 कम्युनिटीज़ का, जिनको हम असमीज मुस्लिम्स के नाम से जानते हैं। तो इनके नाम है गोरिया, मोरिया, देसी, जुल्हा। 4 कम्युनिटीज़ हैं, चारों के नाम याद होने चाहिए, कम्युनिटीज़ के नाम के ऊपर क्वेश्चन आता है। क्यों किया जा रहा है? गवर्नमेंट का प्लान है कि दे विल सेट अप अ कॉरपोरेशन टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ दिस कम्युनिटीज़। गवर्नमेंट कुछ कॉरपोरेशन बनाना चाहती है इन लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। और इनका जो नंबर है वो एस्टिमेट किया जा रहा है 16 लाख के आसपास है, और जो असम की पॉपुलेशन है वो 3.3 करोड़ है। तो सेंसस करने के बाद क्या होगा कि आपको एक बहुत रिलेटिवली क्लोज अकाउंट मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कॉरपोरेशन को फंक्शनिंग को कैरी आउट कर सकते हो। 29th इज माधव नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसका नाम आया है माधव राव सिंधिया के बाद, जो कि ग्वालियर के महाराज हैं, जो सिंधिया डायनेस्टी को बिलोंग करके थे, जो मराठास की सिंधिया डायनेस्टी थी उसको बिलोंग करते थे। ये जो नेशनल पार्क है ये एक कॉम्बिनेशन है ड्राई डेसीडियस का और ड्राई थॉर्न का। पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को डेसीडियस के बारे में बताया था। डेसीडियस का मतलब वो होता है वो टाइप के ट्रीज जो जनरली ऑटम सीजन में, विंटर से थोड़ा सा पहले जो सीज़न आता है उसमें अपने लीव्स वगैरह को शेड कर देते हैं। तो ये माधव नेशनल पार्क के अंदर आपको ड्राई डेसीडियस भी मिलेंगे और ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट भी मिलेंगे। प्लस में कुछ वैरायटी ऑफ एंटेलॉप्स मिलते हैं यहाँ पे, जैसे नील गाय मिलेगा, चिंकारा मिलेगा, डियर हो गया, और कुछ कार्निवोर्स मिलेंगे, लेपर्ड मिलेगा, वोल्फ, जेकाल, फॉक्स, वाइल्ड पिग एट्सेट्रा, ये सब आपको माधव नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। अर्बन बेंट टोड गिको 30 पे, ये एक नया स्पीशीज है लिजर्ड का जो रिसेंटली गुवाहाटी के असम में डिस्कवर किया गया था। साइंटिफिक नाम है इसका क्राइटोडेक्टाइलस अर्बानुस,
और इसको जो इसका जो सर्वाइवल है उसको थ्रेट है अर्बनाइजेशन का, यानी कि अर्बन एरियाज़ के अंदर इस लिजर्ड को थ्रेट है, वहाँ रहना इसके लिए एक परेशानी बन जाता है। 31 वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये प्रीवियस वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी ये नाम आया था। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ होम टू मोर देन हाफ ऑफ द नंबर्स ऑफ टाइगर, केरला में जितने भी टाइगर प्रेजेंट है उसमें हाफ से ज़्यादा जो है वो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के प्रेजेंट हैं। इसको नोटिफाइड टाइगर रिजर्व का नाम शायद ना मिले क्योंकि इसके लिए प्रपोजल डाला गया था, उसको पब्लिक का इतना सपोर्ट नहीं मिला। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में लोकेटेड है, ये सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला की। जो स्टेटस ऑफ टाइगर है इंडिया के अंदर जो रिपोर्ट किया गया था लास्ट ईयर, उसमें एस्टिमेट किया गया था कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वायनाड की वो 75 से 80 इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पर। ये जो सेंचुरी है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का इंटीग्रल पार्ट है, प्लस में ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से बाउंड भी होता है जो कि नागर होल है, बांदीपुर है कर्नाटका का, इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ये, और साउथ ईस्ट के अंदर है मधुमलई तमिलनाडु का। पंजाब किनू, किनू ये फ्रूट होता है संतरा के जैसा, ऑरेंज के जैसा होता है। पंजाब के एग्री एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया था पंजाब किनू ब्रांड, ये किनू फेस्टिवल है अबोहर में। जो ब्रांड है किनू की इसको कंसिडर किया जाता है, ये पंजाब का किंग फ्रूट है और इसको पेस्टिसाइड फ्री भी बताया जाता है। पंजाब इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किन्नों का और इस तरह की ब्रांडिंग ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती है। एरोनेट, एरोनेट एक कॉमन डेटाबेस है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का, जिसमें 91 करोड़ इलेक्टर्स हैं। इलेक्टर्स यानी कि जो लोग वोट कर सकते हैं, तो 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन 91 क्यों है, क्योंकि 18 से बिलो की एज वालों की वोटिंग कार्ड नहीं बनते। इलेक्शन कमीशन इंडिया ने अवार्ड किया है सिल्वर फॉर एक्सेलेंस इन द गवर्नमेंट प्रोसेस रीअरेंजिंग फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2019-20 के लिए, ये अवार्ड दिया गया था उनके रिकॉग्निशन के लिए जो कि एरोनेट है। एरोनेट में क्या मिलता है, एक बेडरॉक मिल जाता है इलेक्टोरल रोल का, जिसमें बहुत सारी वेब सर्विसेज होती हैं कैसे कंडक्ट करने इलेक्शंस, क्या एप्लीकेशंस होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसके साथ साथ ये ऑटोमेट करता है जो भी इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है ना, यानी कि इलेक्टर के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसका फील्ड वेरिफिकेशन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एवरीथिंग। रैयाद 2 मिसाइल, पाकिस्तान ने एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया था, उन्होंने एयर लॉन्च किया था इस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का। इसके की इफेक्ट्स ये हैं कि 600 किलोमीटर की इसकी रेंज है, प्लस इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट के गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम लगे हुए हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि बहुत प्रिसाइसली हाई प्रिसाइजन के साथ इसने अपने टारगेट को एंगेज किया है। देखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने इस तरह की मिसाइल का जो डेवलप करना है न्यूक्लियर कैपेबल का, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के ब्रह्मोस जो क्रूज़ मिसाइल है हमारा उसको ध्यान में रखते हुए किया है। कला कुंभ, ये काला कुंभ नहीं है, ये कला कुंभ है, एक ऑब्जेक्टिव है जो GI टैग्स होते हैं हमारे क्राफ्ट और हेरिटेज ऑफ इंडिया के, उनको प्रमोट करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने ऑर्गेनाइज किया कला कुंभ, ये एक हैंडीक्राफ्ट का थीमेटिक एग्जीबिशन होगा कंट्री के वेरियस पार्ट्स के अंदर, और इसको ऑर्गेनाइज करेगा ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट। इस एग्जीबिशन को स्पॉन्सर किया है EPCH ने, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। EPCH को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था कंपनीज एक्ट के अंदर 1986-87 में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करना हैंडीक्राफ्ट्स का, प्लस में इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना। इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस को रीनेम कर दिया गया था मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। मनोहर पारिकर हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, गोवा से थे वो। ये एक ऑटोनमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, इसका ऑब्जेक्टिव है कुछ रिसर्च करना, पॉलिसी रेलिवेंट स्टडीज़ करना, जितने भी इंडिया के डिफेंस और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं उनमें। इंडिया होस्ट करेगा AFC विमेंस एशियन कप, AFC होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप, ये एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होता है फीफा वुमेन के वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। तो 2022 के अंदर इंडिया इसको होस्ट करेगा ये, और इसको अनाउंस किया गया था जो वुमेन्स की कमेटी हुई थी ऑफ दी AFC कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी, वहाँ पर इसको अनाउंस किया गया था कि इंडिया के अंदर होगा AFC का वुमेन एशियन कप। एक क्वाड्रीएनियल कॉम्पिटिशन यानी कि 4 साल में एक बार होता है वुमेन्स की फुटबॉल का, और ये बिलोंग करता है AFC को। लॉकहीड मार्टिन के हेलीकॉप्टर्स, कैबिनेट कमेटी जो सिक्योरिटी की है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 24 US के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हम इंडियन नेवी के लिए प्रोक्योर करेंगे। प्रोक्योर करने का मतलब होता है प्राप्त करना। इसके साथ साथ एक नई न्यूज़ आपको बता देता हूँ, रिसेंटली इंडिया ने लद्दाख के अंदर लाइट कॉम्बैट के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। इंडिया के पास है LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसी तरह से इंडिया के पास LCH भी है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी हैं, तो इंडिया ने वो लद्दाख में डिप्लॉय कर दिए हैं चाइना के साथ जो टेंशन चल रही थी रिसेंटली उसको ध्यान में रखते हुए।
24 लॉकहीड मार्टिन हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करेगी इंडिया फॉरेन मिलिट्री सेल्स के रूट के थ्रू यूएस गवर्नमेंट से। जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं इनके अंदर हेलफायर मिसाइल्स हैं, टॉर्पिडोज हैं, और ये इंडियन नेवी को हेल्प करेंगे सबमरीन्स को ट्रैक करने में इंडियन ओशन में, स्पेशली वहाँ पर चाइना की जो प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है इसलिए। पाके टाइगर रिजर्व, ये न्यूज़ में क्यों है? अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है एक 692 किलोमीटर का हाईवे बिल्ड करने का, जो कि पक्के टाइगर रिजर्व के बीच में से जाएगा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, और इसको नेम देंगे ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जो ये हाईवे, इसका एम है कि जो बैरबकुंडा है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जो मनमाओ है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर जो असम के साथ मिलते हैं, उनको कनेक्ट कर रहा है। कॉरिडोर बनाने का मतलब ये होता है एक रोड होता है जो कनेक्ट करता है। जैसे जब पाकिस्तान के साथ पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान डिमांड कर रहा था कि इंडिया को एक वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश तक का एक कॉरिडोर दो, सड़क बना के दो जिसके ऊपर पाकिस्तान का राइट होगा। पाके टाइगर रिजर्व को हम लोग पखुई टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। इसने इंडिया का बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 भी जीता था और कैटेगरी थी कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज़ फॉर हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम। ये भरलेई और कामेंग रिवर जो कि वेस्ट में है और नॉर्थ में है, और पक्के रिवर इसके ईस्ट में है, ये इससे बाउंडेड है। इसके नेबर्स हैं पैपुम रिजर्व फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश का, असम का नमेरी नेशनल पार्क, दोईमरा रिजर्व फॉरेस्ट और ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो मेन पेरेनियल स्ट्रीम्स हैं, पेरेनियल का मतलब होता है कि जो पूरा साल जो नदी बहती रहती है ना, तो यहाँ पर जो मेन पेरेनियल स्ट्रीम्स हैं वो हैं नमेरी, खारी, ऊपर डिक्रोई। जो वेस्ट है कामेंग रिवर का वो है सेसा ऑर्चिड सेंचुरी। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैप में है। मैं आप लोगों को मैप इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं चाहूँगा कि जब मैं ये चीज़ें बोल रहा था तो आप वीडियो को रिवर्स करो, सुनते रहो और नज़र मारो मैप के ऊपर, ढूंढने की कोशिश करो, आपको सडनली एक बार में याद हो जाए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का है, नाम थोड़े से यहाँ पे डिफरेंट है, कॉमनली सुनने को नहीं मिलते हैं इसलिए। ओलिव रिडले टर्टल्स न्यूज़ में क्यों है? देखो ये हमारा इंडिया है, ये ओडिशा है, ये ओडिशा का कोस्टल रीजन है, ये बे ऑफ बंगाल है। ओके, न्यूज़ में क्यों है? प्रिपरेशंस की जा रहे, ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। जो ऋषिकुल्या रुड़की है और ओडिशा का जो कोस्ट है वहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल्स को वेलकम करने के लिए, ये एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पर वो मास नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग करने का मतलब दे विल ले दी एग्स और उसमें से हैचिंग होगी, छोटे छोटे जो टर्टल्स हैं वो निकलेंगे। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने एक ह्यूमन और प्रेडेटर इंटरवेंशन से बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक 5 किलोमीटर लंबा फेंस जो कि मेटल नेट का है वो गोराखुड़ा से लेकर बटेश्वर तक स्टैंड कर दिया है। ये जो स्ट्रेच है ये मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन है, वहाँ पर मास नेस्टिंग बहुत होती है ऋषिकुल्या रुकरी के अंदर। की फैक्ट्स की बात करें ऑलिव रिडले की, तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट और द मोस्ट अबंडेंट है सी टर्टल्स में जो भी वर्ल्ड में मिलते हैं। ये इनका इनहैबिटेट एरिया होता है कि वार्म वाटर होता है, स्पेशली पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन, उसके वार्म वाटर के रीजन में मिलते हैं। बे ऑफ बंगाल का जो वाटर होता है ना कंपैरेटिवली अरेबियन सी से ज़्यादा वार्म होता है, इसलिए यहाँ पर साइक्लोनिक फॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है। इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन आया कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक फॉर्मेशन ज़्यादा क्यों होती है। इट इज़ वेल नॉन फॉर इट्स अरीबादास और एनुअल मास नेस्टिंग के लिए। IUCN स्टेटस इसका वल्नरेबल है, साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी ये अपेंडिक्स 1 में है। ऑपरेशन कछप्पा क्या था? इन्होंने ये लॉन्च किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी के द्वारा इंडिया में, इसका कोलेबोरेशन था उड़ीसा के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, प्लस जो उड़ीसा की सोसाइटी ऑफ जो वाइल्ड लाइफ सोसाइटी थी उड़ीसा की और बाकी जो लोकल NGOs थी उनके साथ। रोहतांग पास, मोस्टली लोग आप लोगों में से शायद घूम के भी आ चुके होंगे रोहतांग पास के थ्रू। ये लोकेटेड है हमारे ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज के अंदर, हिमालयस के अंदर, और ये कनेक्ट करता है हमारी कुल्लू वैली को जो स्पीति वैली है हिमाचल प्रदेश की उसके साथ, ठीक है। ये पास करता है जो वाटरशेड होता है चेनाब और ब्यास का, जो ब्यास रिवर का जो एरिया होता है ना उन दोनों के में से ये पास करता है। सूरज कुंड का मेला, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला होता है ये। इस बार की थीम जो रखी गई है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट को दी गई है और ये 34th सूरज कुंड मेला होगा, फरीदाबाद के एरिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तकरीबन एक वीक तक चलने वाला होता है। ये यूनिक होता है क्योंकि यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, कल्चरल फैब्रिक को बहुत शो किया जाता है। सूरज कुंड वहाँ पर एक कुंड है, एक क्या कह सकते हो, एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एक लेक बनाया, कुंड बनाया हुआ, यानी कि एक ज़मीन में बहुत बड़ा एक क्रेटर टाइप का गड्ढा सा है, उसको सूरज कुंड का नाम दिया हुआ है। वहाँ पर कुछ टेम्पल्स वगैरह भी हैं और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है, इसलिए इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला होता है और ये फरीदाबाद में होता है। जो मेला है इसको ऑर्गेनाइज करता है सूरज कुंड मेला अथॉरिटी और हरियाणा टूरिज्म, इसका कोलेबोरेशन होता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर और एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। एक्सटर्नल अफेयर का रोल इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पड़ता है और इंटरनेशनल ऑडियंस भी, टूरिस्ट भी आते हैं इसको अटेंड करने के लिए। जो मेन मोटो है इस फेस्टिवल का वो है कि हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना,
ठीक है ना, हैंडलूम्स को भी, स्पेशली ये जो क्राफ्ट्समैन वगैरह होते हैं, इन सबको ऑल ओवर द कंट्री से इनवाइट किया जाता है। सो बेसिकली जो क्राफ्ट फेस्टिवल है ये एक प्लेटफॉर्म है जो भी अक्रॉस द ग्लोब जो आर्टिस्ट होते हैं उनको अपना कल्चर और टैलेंट टैलेंट शो करने के लिए। मलई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंटेक्स्ट क्या है, मलई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो कि कर्नाटका के चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए सब कुछ हो चुका है। जो अप्रूवल है वो मिला है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से, ये एक्सपेक्टेड है कि अभी किसी भी टाइम आ सकता है। सेंचुरी में प्रेजेंटली 20 टाइगर हैं और एक बार नोटिफाई होने के बाद चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट के पास एक रेयर डिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि कंट्री के अंदर उस अकेले डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ऑलरेडी उसके पास बांदीपुर है, बीलगिरी रंगनाथ है और अपने टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर। ओके, अलॉन्ग विद दिस कर्नाटक के पास टोटल 6 टाइगर रिजर्व्स हैं और इसके अलावा जो बाकी हैं वो है नागरहोले, भद्रा, अंचदंडेली यानी कि बांदीपुर और BRT के अलावा, सॉरी मैं 4 गलत बोल गया, 3 हो जाएंगे। मैं भी अभी सोचूं कि मैं 2 पढ़ रहा हूँ लेकिन ये 4 कैसे हो रहे हैं, 3 हो जाएंगे। तो ये चमार राजनगर जो है ना डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर 3 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। तो कंट्री में और कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व होंगे। अभी नाम देखो थोड़ा अजीब सा है लेकिन समझना पड़ेगा, क्रेस्पे डॉट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग, इतना समझ लो। ग्रेटा थनबर्ग तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जो स्वीडन की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ग्रेटा थनबर्ग, उनके नाम पर इस पर्टिकुलर स्नेल को नाम दिया गया है। ये नई स्पीशीज है लैंड स्नेल की, इसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया था। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है, ठीक है ना, स्पेशली जो ड्राउट और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव है। स्नेल्स को हम लोग देखने के ये फील्ड कोर्स जो है इसका कंडक्ट किया जाता है टेक्सन एक्सपेडिशंस, जो कि कुआला बेलालोंग फील्ड स्टडीज़ का है, उसका सेंटर पुणे में है। अगर इस के फीचर्स के बारे में बात करें तो तकरीबन 2 मिलीमीटर लॉन्ग स्नेल्स होती है, डार्क ग्रे के इसके टेंटिकल्स होते हैं, पेल बॉडी होती है, कनकेव शेल होता है और आउटर पार्ट जो होता है वो ग्रीनिश ब्राउन होता है। ये स्पीशीज वगैरह जो आती रहती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इन चीज़ों के नोट्स आपको बनाते चलने हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर इडलिब था, न्यूज़ में क्यों था, 9-year-old वॉर जो सीरिया में था करंटली रेज कर रहा था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ इडलिब के अंदर, जो रैपिडली एस्केलेट कर रहा था टेंशंस गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट फोर्सेस और जो प्रेसिडेंट थे बशर अल असद और टर्किश मिलिट्री का। लोकेटेड कहाँ पर है इडलिब, इडलिब है नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के अंदर जो कि 59 किलोमीटर साउथ वेस्ट पड़ता है एलेप्पो से, जो कि इडलिब गवर्नरेट की कैपिटल है। ऑल राइट, ये आपको दिख रहा है मैप, ये हो रहा ऊपर का रीजन टर्की का रीजन, ठीक है, नीचे आपको दिख रहा है ये सीरिया वाला रीजन, ठीक है, ये रहा आपको इडलिब प्रोविंस, ये है हमारा इडलिब प्रोविंस और इसके भी अंदर आपको छोटा सा दिख रहा होगा ये जो पार्ट है ये है इडलिब। ओके, ये सीरियन रेबल्स का एरिया है और ऊपर कलर दिखा रखा है कि जो रेड वाले हैं यहाँ पर टर्किश बैक्ड सीरियन रेबल्स होते हैं, ब्लू वाले में सीरियन गवर्नमेंट है, डार्क ऑरेंज के अंदर जिहादी फोर्सेस हैं और ये जो लाइट ऑरेंज है यहाँ पर सीरियन रेबल्स हैं और ग्रीन के अंदर कुर्दिश फोर्सेस हैं। SERB Women Excellence Award, डॉक्टर नीति कुमार जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं डिवीजन ऑफ मॉलिकुलर पैरासिटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से CSIR CDRI लखनऊ के, उनको मिला है SERB का Women Excellence Award 2020। ये जो अवार्ड है ये उन वुमेन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज 40 से बिलो होती है और इन्होंने नेशनल अकेडमिक्स के अंदर एक रिकॉग्निशन हासिल किया होता है। वुमेन रिसर्चर को सपोर्ट किया जाता है, रिसर्च ग्रांट मिलता है 5 लाख का पर एनम और 3 ईयर्स का मिलता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को जो कि डिपार्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। ये देता है साइंस एंड इंजीनियरिंग जो बोर्ड है ना ये देता है 5 लाख पर एनम 3 साल के लिए ग्रांट मिलता है ताकि आप रिसर्च वगैरह करते रहो, उसको सपोर्ट मिलता है। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुई थी, कॉन्फ्रेंस ने डिस्कस किया था कि जो चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि इंडिया में जेंडर इक्वलिटी लाई जाए, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि मिलिट्री सर्विसेज के अंदर वीमेन को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट किया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस हो ज़्यादा अच्छे से और लाइटली किया जाए फाइटर पायलट्स के केस में। इन्होंने डिस्कस किया था कि वीमेन को फ्रीडम देनी चाहिए माइंस के अंदर रात के समय काम करने में। कॉन्फ्रेंस ने यह भी फोकस किया था कि आज के डेट के अंदर टेक्नोलॉजी की क्या नेसेसिटी है रैपिड जस्टिस डिलीवर करने के लिए। वर्ल्ड की लार्जेस्ट केव फिश डिस्कवर हुई है मेघालय के अंदर, जो लार्जेस्ट केव फिश है इसको डिस्कवर किया हमने मेघालय के जैंतिया हिल्स के अंदर।
केव फिश जो है ये अराउंड 1.5 फीट लेंथ में है, इसकी कोई आंखें नहीं है, ये बिल्कुल वाइट है क्योंकि इसमें मेलानिन के पिगमेंटेशन की कमी है। मेलानिन पिगमेंटेशन जो होता है ना आपकी बॉडी को उसमें डार्क कलर देता है, इसके बाल जितने ज़्यादा ब्लैक होते हैं मतलब उसमें मेलानिन की कंटेंट ज़्यादा है, जिसके ब्राउन टाइप के होते हैं या फिर ग्रे टाइप के होते हैं मेलानिन कंटेंट कम है। सेम चीज़ आपके बॉडी कलर का भी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेशंस होती हैं ये कलरिंग प्रोवाइड करता है। सेम चीज़ आइज़ में होती है, जिन लोगों की आइज़ थोड़ी सी ब्राउनिश होती हैं या फिर थोड़ी ग्रे टाइप की होती हैं उसमें मेलानिन पिगमेंट का थोड़ा सा कम कंपोजिशन होता है, जिनकी बहुत ही ज़्यादा डार्क और ब्लैक होती है उसमें मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है। योंगले ब्लू होल YBH, ये भी मैंने एक बार इनसाइट की डेली न्यूज़ में डिस्कस कर चुका हूँ इसको। इसमें 8000 ईयर ओल्ड पुराना कार्बन मिला है, ठीक है, ये एक योनिंग सिंक होल है साउथ चाइना सी के अंदर। ये अब तक का मैरीन कैवर्न का डीपेस्ट है ये, ठीक है ना, और ये लोकेटेड है सीज़ा आइलैंड्स, साउथ चाइना सी के अंदर सीज़ा आइलैंड्स है वहाँ पर, और टॉप से बॉटम तक इसकी जो डेप्थ है वो 300 मीटर्स की है। जो वाटर इसमें मोस्टली आइसोलेटेड रहता है अपने सराउंडिंग ओशन से, क्योंकि बहुत ही लिटल फ्रेश वाटर आता है इसके अंदर रेनफॉल से, इसके कारण ये एक बहुत रेयर स्पॉट बन जाता है केमिस्ट्री की स्टडी के लिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम होता है ये ऑक्सीजन डिप्राइव्ड होता है। जर्मन कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया है बैन ऑन असिस्टेड सुसाइड, थोड़ा सा ध्यान से समझना, यूथनेशिया जैसे टाइप की चीज़ है और ऐसे टॉपिक्स न्यूज़ में आ जाते हैं, सॉरी एग्जाम में आ जाते हैं, न्यूज़ में बोल रहा हूँ। जर्मनीज़ हाईएस्ट कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट 2015 लॉ बैनिंग प्रोफेशनल असिस्टेड सुसाइड वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जर्मनी की हाईएस्ट कोर्ट ने बोला है कि 2015 का जो लॉ जो कि प्रोफेशनल असिस्टेड सुसाइड को बैन करता था वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कहा है कि इन्हें एक अपनी लैंडमार्क डिसीजन दिया है दैट पीपल हैव द राइट टू अ सेल्फ डिटरमाइंड डेथ, लोगों के पास हक है कि अपनी डेथ को वो सेल्फ प्रोक्लेम करें, अपनी चॉइस से वो डेथ अपनी सुसाइड तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अपनी चॉइस से वो डिटरमाइन करना कर सकते हैं कि वो कब मरना चाहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, द रूलिंग इज़ अ मेजर विक्ट्री फॉर द टर्मिनली इल पेशेंट्स डॉक्टर्स एंड असिस्टेड सुसाइड ऑर्गेनाइजेशंस हु ब्रॉट द केस कंप्लेनिंग दैट द एग्जिस्टिंग लॉ वेंट टू फार। उन लोगों के लिए जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स को ट्रीट करने में प्रॉब्लम होती है, असिस्टेड सुसाइड ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने कहा था कि आपने जो पहले जो लॉ बना रखा था वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का लॉ था, तो उन लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। कोर्ट ने कहा है द राइट टू अ सेल्फ डिटरमिन्ड डेथ इंक्लूडेड द फ्रीडम टू टेक वन्स लाइफ एंड सीक हेल्प डूइंग सो। उन्होंने कहा है कि आप जब अपनी लाइफ को सेल्फ डिटरमिन करोगे तो आपके पास आज़ादी है कि आप अपनी जान को खुद लेना चाहते हो या और बेसिकली आप उसमें हेल्प ले सकते हो किसी से की, तो इसमें एक प्रोसीजर होता है बहुत बड़ा, आप ऐसे ही नहीं किसी को बोल सकते कि यू असिस्ट मी इन माय डेथ, इसमें बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। पर्टिकुलर उस लोकेशन के जो कुछ कोर्ट के लॉयर्स वगैरह भी आते हैं, कुछ DM वगैरह भी होते हैं, पुलिस का प्रेजेंस भी होता है, फैमिली मेम्बर्स का प्रेजेंस होता है, डॉक्टर्स का प्रेजेंस होता है, पूरा मेडिकल टेस्ट किया जाता है, पूरा कंसेंट फॉर्म भराया जाता है, कुछ केसेस में अप्रूवल वगैरह की रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर स्लो डेथ होती है बेसिकली, इंसान को स्लीप में डेथ, उसको स्लीप में डेथ कॉज होती है, तो एक पूरा प्रोसेस होता है, इट्स नॉट दैट इजी कि आप अपनी मर्जी से किसी की डेथ को असिस्ट कर सकते हो। 51 में आता है व्हाट इज़ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR क्या है। कंटेक्स्ट ये है, मिजोरम की गवर्नमेंट ने दे हैव सॉट कि उनको रिविजन चाहिए अपनी जो बाउंड्री आसम की, बेस्ड ऑन कि जो बंगाल का ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन है 1873 का और जो इनर लाइन है लुसाई हिल्स नोटिफिकेशन 1993 का। ये समझ में आपको नहीं आया होगा, BEFR का ये समझो, BEFR एक रेगुलेशन है जो अलाउ करता है कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये लोग अपने एरिया के अंदर नॉन रेजिडेंट इंडियंस को आने की परमिशन ना दें, ठीक है ना, और विदाउट एन इनर लाइन परमिट फॉर ए टेम्परेरी स्टे, यानी कि टेम्परेरी स्टे के लिए आ सकते हैं लेकिन उनके पास इनर लाइन परमिट होना चाहिए, उसके बिना आ नहीं पाएंगे। की इफेक्ट्स क्या है, देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप के अंदर, मैंने बिल्कुल रिसेंटली इनसाइट की डेली न्यूज़ में वो डिस्कस किया था, असम का जो अकॉर्ड था ना, असम अकॉर्ड जो हुआ था 1985 वाला, और उसका क्लॉज 6 वगैरह क्या था, फिर NRC के कारण क्या कुछ पंगे हुए थे, तो ये वही चीज़ें हैं, ये दोबारा से भी न्यूज़ में आती रहेंगी, ठीक है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जो ब्रूज कम्युनिटी है उसके ऊपर जो जजमेंट आया था कि इन लोगों को रीसेटलमेंट प्लान आया था ना, उसके ऊपर डिस्कशन किया था, रिसेंटली हम लोगों ने नागा हिल्स वाला किया था, तो ये चीज़ें ना डेली न्यूज़ में आ रही होती हैं। आपको ऐसे लगे कि यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़े नहीं लेकिन ये तो कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक लग रहा है, बस कॉन्टिन्यूटी बनाए रखो, ये चीज़ें कवर हो जाती हैं एक साल के अंदर अंदर। मिजोरम जो कि लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट में था असम के,
पहले यूनियन टेरिटरी 1972 में हम लोगों ने मिज़ोरम को यूनियन टेरिटरी बनाया था, और 1987 में हम लोग इसको स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। उससे पहले ये जो असम का लुसाई हिल्स का डिस्ट्रिक्ट है ना, ये उसका पार्ट हुआ करता था। मिज़ोरम 123 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है सदर्न असम के साथ, और क्लेम करता है कि 509 स्क्वायर माइल का जो स्ट्रेच है ये उनके नेबरिंग स्टेट ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आईकॉस दी टॉस, ठीक है, मत समझो इसको, फुल फॉर्म ही जानी पड़ेगी। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, किसकी तहत, आयुष के तहत। अभी आयुष क्या होता है आपको मिनिस्ट्री में पता होगा ना, आयुर्वेदा योगा एंड, इसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी को अलग है, ठीक है, लिखा कुछ है लेकिन पूरा कुछ और है। आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी आता है वाई के साथ, फिर यू से आता है यूनानी, एस से आता है सिद्धा, एच से आता है होम्योपैथी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जो डायग्नोसिस और जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिगार्डिंग, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा। ये दिल्ली के अंदर हुई थी कॉन्फ्रेंस, ने अडॉप्ट किया था एक न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन कि किस तरीके से हम लोग ऑन कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन डायग्नोसिस डेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। जो डिक्लेरेशन ने एम्फसाइज किया था कि कंट्रीज़ का कुछ कमिटमेंट होना चाहिए ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट एरिया है हमारे हेल्थ केयर का। इन्होंने देखा था कि किस तरीके से हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम जो है मेडिसिन का, जैसे कि आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा, इन सबको हम लोग किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारा किस में इंक्लूड करना है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज ऑफ WHO के अंदर, जो कि एक स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल है पूरे वर्ल्ड के अंदर हेल्थ के मैनेजमेंट का। तो ये जो कॉन्फ्रेंस था ये बिगेस्ट एवर, अब तक का एक बिगेस्ट एवर इंटरनेशनल इवेंट था, जिसको जो स्पेशली डेडिकेट किया था हम लोगों ने किस तरीके से हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन का डायग्नोसिस और टर्मिनोलॉजी सेटअप करेंगे, ठीक है ना। बहुत ब्रॉड लेवल का पार्टिसिपेशन था वर्चुअली बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स का। कॉन्फ्रेंस का द कॉन्फ्रेंस सक्सीड हुआ था, ठीक है ना। इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव था इनका एक्सपैंड करने का इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD को, उसमें सक्सेसफुल रहे थे। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को इसमें इंक्लूड करने का कॉन्सेप्चुअल लेवल्स के ऊपर सभी कंट्रीज़ ने इसको एंडोर्स किया था। एंडोर्स करने का मतलब होता है सराहना। इंद्रधनुष किया है, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एयरफोर्स इंडिया की और यूनाइटेड किंगडम की। फोकस इस एडिशन का रहेगा कि जो कि इंडिया में हो रही है बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन। देखो इस दिन इस वीडियो के अंदर ही आपको कितनी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पता चल गया, पिछली में भी 3-4 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में था। तो इतनी जब ये हो रही होती हैं तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। मेजर मेजर जो होती हैं जैसे इंडिया की श्रीलंका के साथ होती है, नेपाल के साथ होती है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US, फ्रांस, और क्या कहते हैं नेपाल हो गया, US, फ्रांस और जर्मनी के साथ तो नहीं होती, UK के साथ भी होती है। तो इन कुछ कंट्री के साथ होती है, इनका मेजर मेजर आपको आइडिया होना चाहिए। थाईलैंड के साथ भी होती है। रेज 2020 क्या है, ये एक मेडिन समिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, सोशल एम्पावरमेंट, इंक्लूजन और ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इवेंट का नाम रखा गया था रेस 2020, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द सोशल एम्पावरमेंट 2020। इसका ये फरवरी की हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो इस इवेंट को 2020 अप्रैल 2020 में होना था। अप्रैल की जब न्यूज़ आएगी तब देखेंगे कि ये हुआ या फिर कोरोना के कारण इसको भी शिफ्ट कर दिया गया। इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है जिसको ऑर्गेनाइज करेगी गवर्नमेंट, और पार्टनरशिप होगी इंडस्ट्री के साथ और बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ। समिट जो है एक ग्लोबल मीटिंग होगी, ठीक है ना, बहुत सारे माइंड्स की, जहाँ पर अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके सोशल एम्पावरमेंट को इंक्लूड करें और बहुत सारे की एरियाज़ हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ। की एरियाज़ क्या हैं, वही हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी और बाकी कुछ सेक्टर्स के अंदर। MIEWS वेब पोर्टल, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम वेब पोर्टल क्या है, ये एक डैशबोर्ड और एक पोर्टल है, अपने टाइप का पहला प्लेटफॉर्म है रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए टमाटो, अनियन और पोटैटो, आलू प्याज टमाटर के प्राइसेस के लिए उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली क्या होगा ना, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के टर्म के अंदर देखो ये ना कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा, जैसे वेदर सिस्टम क्या करता है, चेक करता रहता है ना कि भाई कहाँ बादल आ रहे हैं, कहाँ सनलाइट है, कहाँ रेन हो रही है, कहाँ स्टॉर्म हो रहा है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो वेब पोर्टल है ये चेक करेगा कि इंडिया के अंदर किस किस लोकेशन के ऊपर किस तरीके से आलू प्याज टमाटर के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं।
तो ये एडवाइजरी जारी कर देगा फार्मर्स वगैरह को कि अपना साइक्लिक प्रोडक्शन करते रहें या फिर ना करें, ठीक है ना। अगर कोई ग्लूट की सिचुएशन आती है, ग्लूट का मतलब होता है कि ओवर प्रोडक्शन हो रखी होती है, उस सिचुएशन के अंदर उनको अर्ली वार्निंग देगा कि आप इतना ही ग्रो करो क्योंकि इतनी ही डिमांड है। देखो आलू प्याज टमाटर ऐसी चीज़ होती है डेली यूज़ होती ज़रूर है, लेकिन जब लार्ज क्वान्टिटी में स्टोर होती है तो वो ख़राब भी हो जाती है, डैमेज हो जाती है वो, तो वो फार्मर को नुकसान होता है। 2020 का CD3 क्या है? ये एक मिनी मून है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया था कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो उसका साइज़ एक गाड़ी कार के साइज़ का है और डायमीटर उसका 1.9 से 3.5 मीटर तक का है, ये हमारे अर्थ के प्लैनेट अर्थ के आसपास रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये अर्थ है, ये मून है और ये थोड़े से डिस्टेंस के बाद ये CD3 है, ठीक है। इसका डायमीटर 6.2 से 11.25 फीट तक रखा गया था, मीटर में बोलेंगे तो 1.9 से 3.5 मीटर तक। ये हमारे परमानेंट मून की तरह तो नहीं है, छोटा सा मिनी मून है, बहुत टेम्परेरी है, और इन्होंने कहा था कि इवेंचुअली ये अपने अर्थ के ऑर्बिट को ब्रेक करके कहीं दूर चला जाएगा। CD3, इस तरह के भी टॉपिक्स आ जाते हैं कि क्या चीज़ थी वो टेम्परेरी वगैरह। ओके, नाम देखो दोबारा से बढ़ाया गया, हेनेग्या सेलमिनिकोला। ये एक नॉन ऑक्सीजन ब्रीदिंग एनिमल है जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। इसमें लेस देन 10 सेल्ड माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है ये, ठीक है ना, जो कि सैल्मन मसल के ऊपर रहता है। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर रिलाई करता है, यानी कि जो सेल्स होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करते हैं एनर्जी बिना किसी ऑक्सीजन के। प्लस में इसके पास माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होगा। देन कम्स NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट निकलते हैं इंडिया के। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को सेटअप किया गया था संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, ये इसका कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है 1959 से। 1975 में ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गया था और इसको रजिस्टर कर दिया गया था कि एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन होगी और ये आएगी फिर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। फुली फाइनेंसिंग की जाएगी इसके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। भारत रंग महोत्सव या फिर नेशनल थिएटर फेस्टिवल एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। ये एनुअली यानी कि वार्षिक साल में एक बार होने वाला थिएटर फेस्टिवल है NSD का, जो कि दिल्ली में होता है, और ये आज की डेट में लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है एशिया का, ठीक है ना। और ये सोलली थिएटर के ऊपर बेस्ड है, थिएटर के अलावा और कुछ नहीं होता इसके अंदर। इनसाइट वाली लास्ट न्यूज़ देखते हैं फिर आगे विजन की देखेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसका नाम है ICGS वराद, ये कमीशन कर दिया गया है सर्विस के अंदर, ठीक है। ICGS वराद अपनी सीरीज़ का 5वां ऐसा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको कंस्ट्रक्ट किया है लार्सन एंड टूब्रो ने। इनका एक कॉन्ट्रैक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 2015 का, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये जो वेसल है ये फर्स्ट मेजर डिफेंस शिप बन गया है जिसने अपने सारे के सारे सी ट्रायल्स सिंगल सी सॉल्टी में क्लियर कर दिए थे, ठीक है ना। तो इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर ये एक रिकॉर्ड बन गया है, ऐसा व्हीकल जिसने अपने सारे के सारे सी ट्रायल्स एक सिंगल सी सॉल्टी में क्लियर कर दिए थे। ICGS वर्दावेल ये डिप्लॉय किया जाएगा ओडिशा के पैरादीप आइलैंड के पास, ठीक है ना, और ये रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो कोस्ट गार्ड है उनके ऑपरेशन के कंट्रोल में जाएगा। इसको फर्दर डिप्लॉय करेंगे इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को सर्वे करने के लिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह क्या होते हैं इसके लिए आपको UN क्लॉज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो इटालियन मरीन का जो केस था उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की भी थी, आगे बहुत बार आएंगी, नहीं भी आई हैं तो कोई टेंशन मत लेना, लगातार बने रहोगे तो ये चीज़ें सब कवर हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। फोटोज़ का एक बार सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लीज़ इनके नाम वगैरह कमेंट में लिखना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप रिकॉल करने में आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। ये एक बर्ड है, ठीक है, इसका मैस्कॉट के लिए यूज़ किया गया था एक गेम्स के अंदर, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ये इस तरीके से इसका मैस्कॉट बनाया गया था इस बर्ड का, ये जो आपको इसके थ्रॉट पे देख रहे हो रेड कलर का। ये एक कैरावैन निकाला गया था, ठीक है। अब कैरावैन किस न्यूज़ में किया था आप मुझे बता सकते हो। ये माउंट एकॉनकैगुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या न्यूज़ पढ़ी थी ये भी आप लिख के बताइए। ये एक ट्रेडिशनल थिएटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फेस्टिवल्स वगैरह जो हैं ये आते हैं जनरली, आपको ऑलमोस्ट हर जो वेबसाइट होती है वो इन चीज़ों को नोट डाउन करती हैं। ये सूरज कुंड का एक फेस्टिवल है, ठीक है, सूरज कुंड का एक फेस्टिवल है, इसके बारे में क्या डिटेल में हम लोगों ने जाना था। ये एक टर्टल है और ऑलिव रेडली टर्टल, इसकी रिगार्डिंग क्या डिटेल्स है। देखो इंडिया से रिलेटेड जो भी ये स्पीशीज़ होती है ना, जैसे टर्टल वगैरह हो गए, टाइगर हो गया, घड़ियाल हो गए, जो इंडिया स्पेसिफिक हैं, इंडिया में ही पाए जाते हैंगे, ठीक है ना, मतलब
टू मच ऑफ इंडिया डोमिनेंस है यहाँ पर, इनके बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। ये आते हैं हर एक दो साल में रिपीट होके आते हैं, कभी इसका हैबिटेट पूछ लेंगे, कभी इसका स्टेटस पूछ लेंगे, कभी चार पांच ऑप्शन में ये आ जाएगा, वहाँ एलिमिनेट करने को मिल जाएगा। ये लॉकहीड मार्टिन का हेलीकॉप्टर है, इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ाया था बताइए। ये जो है ये भी एक फेस्टिवल ही है, ठीक है। मैं इसका नाम अगर आपको बताऊँगा तो कला कुंभ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में बात की थी आप बताइएगा। ठीक है, डन, थैंक यू वेरी मच।